स्वागत है आप सभी का एएसआर जम्मू ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम फिर से आए हैं आरएस कार बाजार में। स्टॉक में कुछ अपग्रेडेशन हुई थी आरएस कार बाजार के, तो ये कुछ डिस्प्ले का आप स्टॉक देख सकते हो। इसमें मैक्सिमम आपको लो बजट वाली गाड़ियां देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम लोगों की यही डिमांड रहती है कि लो बजट वाली गाड़ियों के शूट करिए और उनको आप डिस्प्ले करवाइए। तो मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ। वैगनर का काफी ज्यादा स्टॉक है, स्पार्क भी देखने को मिल जाएगी, इको की डिमांड आती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोन की फैसिलिटी या फाइनेंस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आरएस कार बाजार के ऑनर का नंबर मैं नीचे डिस्प्ले पे चला दूंगा, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी भी गाड़ी की रिकॉर्डिंग। और हमारी टीम का भी नंबर आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर आप हमारी टीम से कुछ बात करना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। और चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की पहली गाड़ी जो रहने वाली है फोर्ड की फिगो रहेगी। फ्रंट से फिगो देख सकते हो, 2010 का ये मॉडल है और डीजल वेरिएंट है ये। बाकी फ्रंट से लुक देख सकते हो। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से रहने वाला है। रनिंग की बात करें तो लगभग 62,000 ये गाड़ी चल चुकी है। और बाकी अगर इंटीरियर में चलते हैं तो फ्रंट के 2 पावर विंडोज के कंट्रोल आप देख सकते हो। ये कुछ सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंटीरियर से काफी गाड़ी जो है वो नीट एंड क्लीन कंडीशन में ही है। रियर की सीट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और बाकी रियर से अगर आप देखना चाहें तो रियर से आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। इस गाड़ी का TDCI की वेजिंग है और लगभग ये 62,000 इस गाड़ी ने अपने कम्प्लीट कर चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। बाकी डिमांड की बात करें तो 2,10,000 रुपये की डिमांड है। इसमें भी आपको नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगी। बड़े सारे लोग यार कमेंट करते रहते हैं कि यहाँ के प्राइसेस बहुत हाई हैं, बट मैं आपको सही बता दूं यार, अगर आप प्रॉपर नेगोशिएशन करोगे तो आपको लगभग 20,000 से 25,000 रुपए की नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगी। यही गाड़ी आप लगभग 180 तक भी ले सकते हो उनसे, बट ये डिपेंड करता है आप नेगोशिएशन किस तरह से करते हो। अगली गाड़ी जो रहने वाली है वो है मारुति सुजुकी की वैगनर। वैगनर का ये 2011 का मॉडल है और VXI वेरियंट आप देख सकते हो। फ्रंट से लुक काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है ये फ्रंट से, अगर आप सेकेंड हैंड कार बाजार की या मार्केट की बात कर रहे हो किसी गाड़ी की। और रनिंग की बात करें तो 42,000 ये गाड़ी चल चुकी है। बाकी ये साइड प्रोफाइल गाड़ी की, इंटीरियर से आप गाड़ी देख सकते हो। आल्फो पावर विंडोज के कंट्रोल और यहाँ पे मिरर एडजस्टमेंट ये भी देख सकते हो आप, ये कुछ देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो होगा वो म्यूजिक सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद RPM मीटर, स्टेयरिंग व्हील, रियर की सीट्स आप देख सकते हो। रियर से बात करें तो रियर में वाइपर वाशर डिफागर की फैसिलिटी, VXI वेरिएंट है ये। एंड 42,000 मैं फिर से बता दूं, 42,000 के करीब ये गाड़ी चल चुकी है और 2,75,000 रुपए की इस गाड़ी की मात्र डिमांड है और इसमें भी आपको नेगोशिएशन देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है मारुति सुजुकी इको। 2018 का ये मॉडल है और टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है विद AC, और मतलब एज ए पैसेंजर गाड़ी इसको यूज करना है वो भी ले सकते हो। और AC की फैसिलिटी के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। साइड प्रोफाइल से आप गाड़ी देख सकते हो, मात्र 45,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। फुटरेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी इंटीरियर से मैं आपको दिखा दूँ इस गाड़ी को, तो ये आप इसका विंडो पैनल देख सकते हो ड्राइवर साइड का, एंड ये कुछ डैशबोर्ड का लुक है। और लगभग ये 8 सीटर गाड़ी है, ये चीज आप देख सकते हो। लोड कैरेज भी ऊपर इंस्टॉल किया गया है। एंड एसेसरी एज एन एसेसरी यहाँ पे रियर में आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा और रियर बम्पर गार्ड भी है यहाँ पे। बाकी ये गाड़ी जो है वो शायद रियासी रजिस्ट्रेशन है, सो अगर कोई रियासी वाली साइड से गाड़ी लेना चाहता है तो आप नीचे RS कार बाजार के ऑनर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं बता दूँ 3,80,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है। इसमें भी आपको नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगी, प्लस अगर आप फाइनेंस की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो फाइनेंस की भी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। अगली गाड़ी जो रहने वाली है वो वैगनर है, 2009 का ये मॉडल है एंड LXI वेरियंट है। ये कुछ फ्रंट से लुक देख सकते हो आप, एंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से कुछ इस तरह से प्रोफाइल रहने वाली है गाड़ी की। अब मैं आपको डायरेक्ट इंटीरियर में लेके चलता हूँ। सो ये विंडो पैनल आप देख सकते हो, स्टेयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
इंफोटेनमेंट सिस्टम टू इन का जो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया। बाकी ये सीट कवर आप देख सकते हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और आप रियर की बात कर ले, ये कुछ रियर से और एलेक्सा वेरिएंट की बैजिंग है। लगभग 70,000 की किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है एंड 1,85,000 की इस गाड़ी की डिमांड है। नेगोशिएशन इसमें भी मिल जाएगी आपको। अगली गाड़ी जो रहेगी वो है स्पार्क शेवरोले की, और 55,000 के करीब ये गाड़ी चल चुकी है। 2013 का मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। साइड प्रोफाइल से मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। साइड प्रोफाइल से कुछ गाड़ी इस तरह से रहेगी एंड डिमांड पे मैं आपको बाद में बताता हूँ। चूंकि ये गाड़ी जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसमें पावर विंडोज देख सकते हो, उस तरफ आप पावर विंडोज के कंट्रोल देख सकते हो, चारों के चारों मिरर के कंट्रोल्स आप वहां पे देख सकते हो। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे, तो ये भी चीज आप देख सकते हो। ये कुछ रियर की विंडो, रियर की सीट्स है, ये कुछ रियर प्रोफाइल है इस गाड़ी का। बाकी डिमांड की बात करें तो लगभग 2,00,000 के करीब इस गाड़ी की डिमांड है। इसमें भी आपको अच्छा खासा नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगा, बस आप बार्गेनिंग करने वाले होने चाहिए। और अगर आप हमारे रेफरेंस के थ्रू आते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा रेट मिल जाएगा आपको, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। लास्ट गाड़ी जो रहने वाली है हमारी, लास्ट नहीं है सॉरी, इसके बाद एक और गाड़ी है। ये वैगनर जो है 2012 का मॉडल है एंड VXI वेरिएंट है। फ्रंट से आप इस गाड़ी का लुक देख सकते हो, कठुआ रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी है। बाकी साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का, ये कुछ साइड प्रोफाइल है। और रियर से भी आप गाड़ी देख सकते हो, VXI वेरिएंट है ये गाड़ी का एंड 72,000 के करीब ये गाड़ी जो है चल चुकी है। टायर्स की कंडीशन की बात करें, लगभग 70% रिमेनिंग टायर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और आल्फो पावर विंडोज के कंट्रोल्स है, स्टेयरिंग व्हील दे सकते हो आप, इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम जो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल किया गया है एंड ये कुछ RPM मीटर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पैनल देख सकते हो लेआउट। ये कुछ इस तरह से वैगनर का लुक है। सीट जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। और ये कुछ रियर की सीट्स हैं। बाकी फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 72,000 ये गाड़ी चल चुकी है और 2,85,000 की इस गाड़ी की डिमांड है। बाकी इसमें भी आपको नेगोशिएशन जो होगी वो देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो की जो लास्ट गाड़ी रहने वाली है वो है रेनो की क्विड। 2019 का ये मॉडल है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। बाकी 17,000 खाली ये चली है, लगभग 17,000 मैं बता दूं ये गाड़ी फिर से ये चली हुई है। और टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हो, लगभग 80% रिमेनिंग यहाँ टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड की प्रोफाइल आप देख सकते हो। बाकी रियर से बात करें तो रियर से गाड़ी के लुक्स आप कुछ इस तरह देख सकते हो। आफ्टर मार्केट यहाँ पे स्पॉइलर इंस्टॉल किया गया एंड बाकी चलते हैं आप इस गाड़ी के इंटीरियर में। बाकी ये कुछ आप इसका विंडो पैनल देख सकते हो, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है ये गाड़ी। सीट्स की कंडीशन आप देख सकते हो, बेज कलर में यहाँ सीट्स होंगी बट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पे 17,000 अगर आपको कैमरे में शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आपको जो होगा वो म्यूजिक सिस्टम जो कि LG ऑफर करता है रेनो में, और इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। मैं खुद क्विड का यूज़र हूँ, सो एवरेज वाइज काफ़ी बढ़िया ये गाड़ी है। एंड यहाँ पे आपको जो होगा एयरबैग भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और वहाँ पे आपको जो होंगे वो पावर विंडोज के कंट्रोल्स रहेंगे, तो ये चीज़ देख सकते हो। बाकी अगर रियर की सीट्स की बात करें तो ये कुछ रियर की सीट्स रहने वाली है यहाँ पे। व्हील कैप्स आप देख सकते हो। बाकी बात करें अगर इस गाड़ी के डिमांड की तो लगभग 3,70,000 रुपए की इस गाड़ी की डिमांड है। सो इसमें भी आपको नेगोशिएशन जो होगा वो देखने को मिल जाएगा। अगर ASR जम्मू ब्लॉक की तरफ से आते तो बढ़िया नेगोशिएशन देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये जो आपने स्टॉक देखा ये था RS कार बाजार का। और आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप RS कार बाजार के ऑनर को भी कॉल कर सकते हो, और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा भी नंबर ऊपर लेफ्ट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू लोकेशन पे, किसी न्यू गाड़ियों के साथ और किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग।